बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है सब फ्रेंड खैर खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं लाल लोबिया, जिसको इंडियन हिंदी लैंग्वेज में राजमा भी कहते हैं। इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 5 टेबलस्पून ऑयल, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, 2 मीडियम टमाटर, 1 मीडियम ओनियन, और ये जो है राजमा है जो लाल लोबिया बॉयल के लिए रखा हुआ है। इसके लिए हम सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज को। अब हमारे ऑनियन को 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करते हैं जिंजर और गार्लिक। अब हमारा जिंजर और गार्लिक भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले थे। मसाले ऐड करने के बाद 2-3 मिनट तक इसको अच्छा सा ज़रा भूनेंगे। अब हमारे मसाले भी रेडी हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर अपने। अब हमारे टमाटर जो हैं इसमें मैश हो रहे हैं, इसको मैश करने के लिए 5 मिनट के लिए इसके ऊपर हल्का सा दम देकर इसको रखेंगे स्लो आंच पर। अभी हम चेक करते हैं मसाले की क्या कंडीशन है। टमाटर भी हमारे मैश हो चुके हैं, मसाला रेडी है। अब हम इस टाइम में ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली, हम ग्रीन चिल्ली डालकर इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और ये हमारा जो है लोबिया रेडी है। रात को इसको भिगो दिया था और अभी इसको बॉयल कर लिया, अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे अपने मसाले में। ये 1/2 किलो हमारा लोबिया था, इसको हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करते हैं। माशाल्लाह भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। अब इसको इसी तरह 5-7 मिनट के लिए अच्छा सा मसाले में भूनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हिंदी में इसको राजमा भी बोलते हैं इंडियन लोग, और पाकिस्तान में हम इसको लोबिया, लाल लोबिया, रेड लोबिया, रेड बीन्स जो है। और भूनते वक्त इसका फायर थोड़ा तेज़ रखेंगे, चूल्हे की आंच तेज़ रखेंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी, चूल्हा तेज़ कर देंगे। अब हमारा लोबिया बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है, भून लिया इसको हमने। अब हम इसमें जो लोबिया का वाटर था वो ऐड करेंगे, जिसमें लोबिया को बॉयल किया था पहले। आप अगर इसको ड्राई भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन हमने इसको रोटी और राइस के साथ खाना है, इसलिए थोड़ा सा वाटर वाला करना है ग्रेवी इसकी बना के। तो आप ड्राई भी अपने हिसाब से, अगर आपको ड्राई अच्छा लगता है तो आप ड्राई भी खा सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये आप भी इस तरह की डिशें ट्राई किया करें,
चिकन मटन ये चीज़ें बहुत सारी आती हैं, लेकिन ये दालें, खिचड़ी, करेले, भिंडी, ये सब चीज़ें ट्राई किया करें। कोई भी चीज़ हो उसको ट्राई करें बनाएं, सिर्फ चिकन मटन बिरयानी नहीं होता। अब हमारा लोबिया ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसकी ग्रेवी सॉस भी देख सकते हैं, थिक है ग्रेवी। अब हम इस टाइम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन करियंडर, सब्ज़ धनिया जो था ये ऑर्डर दिया हुआ था डिलीवरी बॉय को, अभी वो लेकर आया, इसलिए पहले इसका नहीं बोला था आपको धनिया का, क्योंकि हमने बोला शायद धनिया ना मिले, लेकिन अभी डिलीवरी मिल गई इस धनिया की भी। तो ये लास्ट में धनिया इसमें ऐड किया और उसके बाद एक मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। अब हमारा लोबिया रेडी हो चुका है, अब हम आपको डिश आउट करके इसके बताते हैं। ये हमारी फाइनल लुक है लोबिया की, देख सकते हैं आप, इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।